दोस्तों नमस्कार, मैं डीजे अमर जी और दोस्तों नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों का भी कुछ भाइयों को जो आउट में रहते हैं उनको नहीं पता कि जो हम लोग ये व्यवसाय डीजे बैंड का दोस्तों कर रहे हैं इनमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो हमारे श्री महेंद्र धनक जी जो हैं काफ़ी वर्षों से दोस्तों वो लोग हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हमारी सपोर्ट में लगे हुए हैं। और दोस्तों जैसे हमारे श्री बाबू भाई हैं, दोस्तों जैसे कानपुर के हमारे श्री रमेश चंद कुंडे जी हैं, ये लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ जितने भी जुड़े हुए इनके साथ के लोग हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं दोस्तों। हर जगह जाते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी मांग करते हैं दोस्तों, तब जाके कहीं दोस्तों हम लोगों का व्यापार चलता है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों के पास आज भी ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हुए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि कुछ भाई हैं आज भी सादा मोबाइल चलाते हैं, जिससे व्हाट्सएप में दोस्तों उनको जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत आउट हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बड़े बड़े लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, इतना सब करते हैं, हमारे लिए करते हैं जब हमारा परिवार हमारा व्यापार चलता है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि हम उन्हीं की लाइन में चलें दोस्तों। और दोस्तों कुछ हमारे भाई जो हैं, अब एक नियम चल गया है निकासी का दोस्तों। आप लोग देखते हैं कि निकासी हम लोग बांधते हैं जो लोग आउट के हैं। और दोस्तों मजबूरी हो जाती है, अगर एक गांव में अगर मान लो कि 10 व्यापारी हमारे इस लाइन के हैं, हमारे लाइन के हैं, तो दोस्तों उसमें मानिए आप दोस्तों कि 2 सही हैं, वो कहते हैं कि हम निकासी नहीं बांधेंगे। बट कुछ हैं वो कहते हैं भैया हम बांधेंगे, आपके यहाँ 2 बजे पहुँच जाएंगे, वहाँ से बजाएंगे प्लस वहाँ भी बजाएंगे, टोटल बजाने के बाद आप कहिए तभी हम पैसा लेंगे। दोस्तों ऐसा मत कीजिए क्योंकि व्यापार गंदा होगा। सारा दिन अगर शाम से बजता रहेगा और रात तक 2 बजे तक बजता रहेगा, बरात लेट होगी इसी कारण, तो दोस्तों व्यापार गंदा हो जाएगा। इसके रीज़न हम लोगों को मजबूरी में फिर हमको एक कमेटी यूनियन में ये भी नियम लागू करना पड़ेगा कि निकासी हम ना करें। दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल करें दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब लोग मिल के काम करें। क्योंकि हमारे जो साथ के जो हमारे पूरे व्यापार से जो जुड़ के जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, सब भाई कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप भी कर रहे हैं, सबका हाथ इसमें है दोस्तों, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो जो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनका आप लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग थोड़ा आउट हैं, आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है दोस्तों, उनका कम से कम थोड़ा मेहनत का ऐसा कीजिए कि उनका सफल रहे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों कि काम ऐसे तरीके से कीजिए कोई मेल की आपका बायधा ना रखो, कि इस समय आप देखते हैं कि महामारी में वैसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो गए हमारा बिजनेस। अब निकासी का मतलब ये होता दोस्तों कि हम पहले लड़के के यहाँ जाते हैं और 3 बजे से 2 बजे से 4 बजे से 7-8 बजे तक हम उनकी बारात कराते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर हम बारात के वहाँ जाते हैं जहाँ बारात उनकी होना है, यानी 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दोस्तों ऐसा दूरी होती है। और दोस्तों इसी के कारण हम लोग जब काम करते हैं दोस्तों तो वो काम लेट हो जाता है दोस्तों, फिर वहाँ पर हम लेट हो जाते हैं। और बारात जो होती है कम से कम ये मान के चलिए कि 10 बजे 9 बजे इस हिसाब से वहाँ पहुँचती है। और फिर वहाँ बारात का प्रोग्राम होते होते दोस्तों आपको पता है कि 12 बजे 1 बजे वहाँ दरवाजे पहुँचती है हमारी अगवानी। उसके बाद फिर भी कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि अभी 2 गाना 2 गाना 1 गाना 1 गाना 3 गाना आप बजा दीजिए, गा दीजिए दोस्तों, तो वो हो जाता 2 बज जाता है, 1 बज जाता, 3 बज जाता दोस्तों। सोचो थोड़ा सा दोस्तों कि आपने काम बांधा, मैं सब की बात नहीं करूँगा दोस्तों, 50% लोग अब ऐसा हो चुका है और प्रतिवर्ष 10% बढ़ रहा है। क्योंकि जब एक भाई अगर ऐसा प्रोग्राम कराएगा दोस्तों तो हो सकता है कि उसके मोहल्ले वाला दूसरा भी ऐसा करना चाहेगा। दोस्तों आप ही सोचिए, कोई कुछ लोग होते हैं कि 5,000-7,000 रुपए में वो 10 बजे सुबह से रात 2 बजे तक ही परेशान रहते हैं इस रीजन में, क्योंकि 10 बजे उनका लोडर आता है दोस्तों, फिर वो लोडर लोड होता है, फिर लोड करने के बाद उनको काफ़ी लोड वोड करके वो लोग कंप्लीट करके वहाँ 2 बजे से फ़ोन आने चालू हो जाते दोस्तों, अभी नहीं आया, अभी आप आए नहीं, बहुत लेट हो रहे, जल्दी हम निकलेंगे। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों, मगर ऐसा नहीं होता, जब आप पहुँचेंगे पहले आप 2-3 घंटे वहाँ बजाएँगे, उसके बाद फिर कहीं वो तैयारी बनाएँगे, 7 बजे कहीं अपने यहाँ से 8 बजे निकलते हैं दोस्तों, वही रीज़न लेट हो जाती। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है, आप लोग थोड़ा समझिए दोस्तों कि अगर आप हम लोग अगर मिल के अगर निकासी का काम अगर बंद कर दें
एक होकर, तो दोस्तों इससे क्या होगा, सिर्फ हमको बारात करने का मिलेगा। उम्मीद के साथ कहता हूँ अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे, अगर आप निकासी काम डीजी अपना लेकर नहीं जाएंगे दोस्तों, तो 100% दोस्तों बारात जल्दी पहुँचेगी। क्योंकि कुछ लोग हमारे जो शहर की बारात दूर की आती हैं दोस्तों, वो बारातें 10 बजे ख़त्म हो जाती हैं। उनका रीज़न यही होता है दोस्तों कि वो लोग 8 बजे आ जाते हैं, सब नाश्ता आस्ता करने के बाद में 9 बजे बारात चढ़ जाती है, 10 बजे हम लोग दरवाजे पहुंच जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि उनकी हम निकासी नहीं कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, अगर बन जाए अपने भाइयों को, अपने लोग जहाँ के भी हों, अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, दूसरों को भी शेयर कीजिए। आप निकासी वाला कार्य कम कीजिए दोस्तों, तो आपका काम अच्छे से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आप लोगों को बजाने को मिल सकता है और आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं जब भी सीजन आती है तो इसी वजह से परेशानी आती है कि सुबह से लेके, यानी कि 2 बजे से लेके रोज 2 बजे तक, रात तक, नाइट तक सिर्फ ये डीजे की आवाज़, गाने की आवाज़, इससे काफ़ी लोगों को हमको काम का नुकसान हो रहा है। जितने भाई हमारे यहाँ के हैं या कहीं के भी हों, तो एक यूनियन दोस्तों बनाइए, और अगर सब लोग, अगर आप निकासी काम नहीं बांधेंगे तो पार्टी मजबूरी में दोस्तों काम कराएगी। क्योंकि यूनियन में एकता बहुत अच्छी होती है दोस्तों। थोड़ा एक सैंपल ग्रुप में मैं देता हूँ दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पहले 8 साउंड, 7 साउंड, 10-10 साउंड लगा के हम लोग बजाया करते थे दोस्तों। मगर कुछ दिन पहले जब शासन ने टाइट किया और कहा कि नहीं आप कम साउंड लगा के कम आवाज़ में आप बजाएंगे दोस्तों, तो देखो आज 80% मैं देखता हूँ 90% दोस्तों कि केवल वो लोग 4 बॉक्स 3 बॉक्स ही लाते हैं, और अच्छा प्रोग्राम का पैसा भी मिलता है दोस्तों, मैं भी करता हूँ। और दोस्तों कुछ ही 10% है जो बहुत ज़्यादा आउट एरिया में रहते हैं, और दोस्तों जो उनको पता नहीं वो लोग लाद के आ जाते हैं सिटी में, और भी भाई अगर धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे तो भी लोग अपने सिस्टम में आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात हुआ कह रहे हैं, हम लोगों का मानना यह है कि अगर आप लोग अगर दोस्तों चाहेंगे, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप लोग भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, अगर सब भाई चाहेंगे, तो निकासी का काम दोस्तों बंद हो जाएगा। अगर निकासी काम बंद हो जाएगा तो दोस्तों आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि आप भी दोस्तों देखिए, आज के डेट में 90 रुपये लीटर प्लस चलने वाला है, कुछ दिन बाद 100 रुपये लीटर तेल हो जाएगा दोस्तों, और आप लोग काम उसी बांधते हैं मात्र 6,000-7,000 रुपये का, जो आउट एरिया में रहते हैं दोस्तों, और जो सिटी के हैं या अच्छा काम करते हैं, तो उनको कोई तकलीफ़ दोस्तों नहीं ना, क्योंकि वो लोग निकासी करते भी नहीं और काम बहुत ही अच्छा बांधते हैं और काफ़ी अच्छे दाम उनको मिलता है दोस्तों। और हमारे कुछ भाई जो हैं जो थोड़ा आउट रहते हैं दोस्तों, उन्हीं की ही परेशानी है। मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं समझूंगा, आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दोस्तों दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं दोस्तों अगर मैंने ये राय आपको दी है। तो दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए कि एक ही यूनियन जो होती है दोस्तों, यूनियन के हिसाब से आप चलेंगे और सब लोग अगर चलेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम होगा, और दोस्तों आप लोग का काम अच्छा चलेगा। अगर आप निकासी नहीं कराएंगे तो दोस्तों आप ही का फ़ायदा है, सिर्फ बारात कराएंगे, अच्छे टाइम से होगा और हमारा जो व्यापार है अच्छा चलेगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो लाइक शेयर लाल बटन जरूर दबाएं दोस्तों। जब तक मैं अगला वीडियो फिर लेकर आपको, जब तक मिलता हूँ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।